गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? डियर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। इन दिस एक्सरसाइज वी विल वॉच, वी विल स्टडी अबाउट टू प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स एंड द सम एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम एचसीएफ। या सो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइम फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज ए प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन 140। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 140 का क्या करना, प्राइम फैक्टर करना। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था प्राइम फैक्टर क्या होता है। इट मीन्स द ऑल डिजीज ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू प्राइम, नॉट कंपोजिट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 140 के सभी जितने भी डिजिट आएंगे फैक्टर में वो कैसा होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होना चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रफ वर्क यहाँ पे आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कैसे हम लोग फैक्टर करते हैं। 140 व्हेन वी डिवाइड 140 बाई 2 वी गेट 70, अगेन डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 35, अगेन डिवाइडेड बाय 5 एंड लास्ट 7। तो वी ऑब्जर्व दैट हियर वी ऑब्जर्व दैट द ऑल फैक्टर्स ऑफ 140 आर प्राइम। कैसे, यहां पे सभी प्राइम्स हैं, 2, 2, 5 एंड 7, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना आपको कि 140 का आपने फैक्टर करने में बोला गया आपसे प्राइम फैक्टर, तो आप ऐसे करने लगे कि 2, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस 7। ये भी तो सही है, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक, एब्सोल्युटली राइट। बट इन दिस क्वेश्चन द रिक्वायर्ड पार्ट इज प्राइम फैक्टर, नॉट कंपोजिट और अदर। ओके, सो वी शुड ऑलवेज प्रीफर प्राइम फैक्टर, मीन्स 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5, मीन्स ऑल डिजिट्स ऑफ द फैक्टर्स रिलेटेड टू प्राइम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है आपके पास, 156। अब इसका भी फैक्टर हम लोग कर लेंगे और इसका फैक्टर करेंगे सेम उसी तरीके से। अगर आप ऐसे करेंगे रफ वर्क तो आपका आंसर राउंड नहीं हो सकता। क्लियर ना? तो चलिए, 156 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 से 2 8 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 2 9 18, 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3 3 9 जा, और लास्ट इससे डिवाइड कर देंगे 13 1 30। क्लियर? तो आप यहां पे भी देख रहे हैं 156, द ऑल फैक्टर्स ऑफ 156 आर प्राइम्स। क्लियर है? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? मैं आप लोगों को एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ाने के लिए फॉलो कर रहा हूँ। आप किसी भी साइड बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन थे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर है? अब मैं आपको क्वेश्चन सेकंड बताता हूँ। क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या करना है, क्वेश्चन सेकंड आपका कि हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, और एलसीएम एंड आफ्टर दैट वी विल चेक द आवर आंसर। अपने आंसर को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। हमें 26 और 91 ये दो नंबर्स दिए गए हैं, और इनका क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है, आफ्टर दैट वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। ओके, तो फॉर दैट वी कैन यूज, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ, बट हियर द बेस्ट मेथड इज अ प्राइम फैक्टर्स मेथड। ओके, जो बेस्ट मेथड है वो प्राइम फैक्टर मेथड ही रहेगा।
क्योंकि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो भी प्राइम फैक्टर से रिलेटेड है, और आप अभी तक यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से भी प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर चुके हैं, लॉन्ग डिवीजन से भी कर चुके हैं, बट अब थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट रूल से भी फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, तो चलिए फाइंड आउट किया जाए 26 और 91 के एलसीएम और एससीएफ को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 26 एंड 91। ठीक, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 × 13। ठीक है, नेक्स्ट 91, प्राइम फैक्टर ऑफ 91 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका 91 का क्या करना है, तो 91 का कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे 91 किससे डिवाइड होता है, 7 एंड 13। क्लियर है, आप करके चेक कर सकते हैं, यहां पे 91 है, ये किससे डिवाइड होगा, 2, 3, 4, 5, 6 से नहीं डिवाइड होगा, डायरेक्ट किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। ओके, एंड फाइनली 13। ओके, सो वी हैव 7 एंड 13 एज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 91। क्लियर, नाउ नेक्स्ट स्टेप प्लीज। अब देखिए, अब इसी स्टेप पे हम लोग अपना आंसर ला लेंगे। क्लियर है, आई हैव एक्सप्लेन इन माई लास्ट वीडियो लास्ट लेक्चर कि हाउ टू कैलकुलेट एलसीएफ एंड एलसीएफ बाई यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, एलसीएम एलसीएफ क्या होता है एक बार फिर से मैं दिला दूं, एलसीएफ मीन्स द पावर ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। एलसीएफ क्या होता है, एलसीएफ एक स्मॉलेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स होता है, और ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, हाइएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। क्लियर है, तो एलसीएफ हम लोग पहले लाते हैं यहां पे एच सी एफ ऑफ 26 का एलसीएफ क्या है, इसके लिए हम लोग, आपको डेफिनेशन मालूम है ना, अभी मैंने जस्ट बताया, डेफिनेशन ये कहता है कि इसमें ये जो फैक्टर्स मिले हुए हैं 26 और 91 के, इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा, और कैसा कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, नाम ध्यान दीजिएगा, वन इंपॉर्टेंट थिंग। एससीएफ के लिए हम लोग फिर से मैं बता रहा हूं, एससीएफ के लिए क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर को प्रीफर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एफसीएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर को प्रीफर करते हैं। क्लियर, तो वी ऑब्जर्व दैट हियर 13 एज ए कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 91, सो वी राइट 13। ठीक है, ये 13 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, तो हमने 13 यहां लिख दिया। ठीक, अगेन एलसीएम अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 26 और 91 का, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के लिए मैंने बताया था, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स, नॉट कॉमन फैक्टर, क्योंकि एलसीएम में कॉमन की बात नहीं की जाएगी, ओनली फैक्टर्स, मीन्स जितने भी फैक्टर मिले हैं आपके पास, ये जितने भी फैक्टर मिले हैं वहां पे कॉमन की बात नहीं होती है। डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखिए, एलसीएम मीन्स ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उसका ग्रेटेस्ट पावर ही क्या होता है, एलसीएम होता है। चलिए, अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 26 के फैक्टर मिला 2 और 13 और 91 का मिला 7 और 13। क्लियर है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं कैसे। ठीक, चलिए, ओके, नाउ 2 × 7 × 13 ये आपका एलसीएम के फैक्टर्स हो गए, इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 7 14 14 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 100। इसका मल्टीप्लाई 14 का मल्टीप्लाई 13 करेंगे 182 क्लियर है। तो ये मिल गया आपका एलसीएम क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक ऑन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है वेरीफाई योर आंसर, अपने आंसर को वेरीफाई करो बाय यूजिंग द गिवन फार्मूला। वहां पे एक फार्मूला दिया हुआ है ठीक है, वो फार्मूला वही जो मैंने अपने लास्ट सेक्शन में एक्सप्लेन किया था, दैट इज एससीएफ क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्लियर है। उस अब इस आंसर से ये जो 13 आया है, ये 13 आपका एससीएफ और ये एलसीएम दोनों को वेरीफाई करना है कि आंसर सही है या गलत है ठीक है। तो वंस अगेन पहले मैं बता दे रहा हूं एससीएफ और एलसीएम को फिर से कि एससीएफ क्या होता है। एससीएम इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। एससीएफ लाने के लिए हम लोग कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर होगा कॉमन फैक्टर उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर से देख लीजिए कि इन बोथ फैक्टर्स 26 एंड 91 वी ऑब्जर्व दैट 13 एज ए स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। 13 क्या है यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर है। ऑन द अदर हैंड इन एलसीएम वी विल कंसिडर द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ठीक है। जो सबसे बड़ा पावर होगा वही क्या होगा एलसीएम होता है। फिर से समझिए एलसीएम में क्या करते हैं, सिंपल वर्ड में एलसीएम में हम लोग किसी भी डिजिट को लीव नहीं करते, छोड़ते नहीं है। मींस अगर हम डेफिनेशन को फॉलो करेंगे तो डेफिनेशन यही कहता है एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर्स को लीव नहीं करना है और जो भी नंबर्स वहां पे इंक्लूड हो रहे हैं, जो भी नंबर्स आ रहे हैं वहां पे, उसमें जो आपका ग्रेटेस्ट पावर होगा वही कंसिडर किया जाएगा। तो मैंने क्या किया 2, देखिए इसमें और इसमें दोनों में क्या है 2 इज ग्रेटेस्ट पावर ऑफ फैक्टर मीन्स प्राइम फैक्टर। 2 1 टाइम हो गया, एक बार आया था दोनों में, एक बार मैंने कर दिया। फिर अगेन आता है 7 7 भी दोनों में देखो एक ही बार आता है ठीक है, मैक्सिमम टाइम 1 टाइम है, इसलिए मैंने 7 को कर दिया। एंड फॉर 13 इन बो ओनली 1 टाइम एक ही बार ऑफर हुआ है, एक ही बार आया हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको भी कंसिडर कर लिया क्लियर है। इसका मल्टीप्लाई कर दे 182 इज ए एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स क्लियर है। अब हम लोग अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करके गाइड कर सकते हैं, आंसर को वेरीफाई कर लें। नाउ प्रोडक्ट ऑफ एससीएफ क्रॉस मींस एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ, रिलेशन दिया हुआ है एलसीएम एससीएफ का उन दो नंबर्स के साथ, तो इस फार्मूले को ही हम लोग कंसीडर करेंगे आंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू लाने जा रहे हैं हम लोग एससीएफ। एससीएफ क्या आपका, एससीएफ आपको मिला था 13 को कंसीडर कर लिए। ठीक है, एलसीएम क्या मिला था 182 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स दिए गए थे, फर्स्ट नंबर इज 26 एंड सेकेंड नंबर इज 91 ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इक्वल ही आएगा क्लियर है। देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके 182 मल्टीप्लाई का है 13 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6 3 8 24 कैरी 2 3 3 2 5 1 2 2 1 8 1 1 6 6 13 2 क्लियर हो गया 2366 इज इक्वल टू देख ले, इधर का भी आंसर सही आएगा 26 का मल्टीप्लाई 91 में कर लेंगे ठीक है। तो 6 1 6 6 9 54 2 1 2 and 2 9 80 क्लियर है। 6 4 2 6 5 8 13
and 112, 2366, 2366, 2366. So here we observe that both sides are equal. दोनों sides क्या है? Equal है. It means my answer is correct. मेरा answer क्या है? बिल्कुल सही है. तो हम लोग अपने answer को verify करने के लिए इस relation को follow करेंगे जो भी question में दिया हुआ है. LCF cross LCM is equal to product of two numbers. Means first number multiply second number. Clear? Okay. Next question is आपका same इसी तरीके से अगला question है. नेक्स्ट क्वेश्चन दो डिजिट दिए गए 510 एंड 92. दो क्वेश्चन दिए गए आपके पास, दो डिजिट है. ठीक है, सेकेंड पार्ट सेम सिमिलरली जैसे हम लोग किए तो उसमें सेम ऐसे इसमें भी करेंगे. तो 510 प्राइम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 एंड 92. Prime factor of 510 is equal to क्या होगा इसका फैक्टर? तो फैक्टर यहां पे बगल में कर लेंगे. 510 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 4, अगेन 11 मिला, 2 5 जा 10, फिर 10 हुआ, 5 10 जा 5 2 5 जा 10. ओके, नेक्स्ट अब इससे किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे. ओके, 3 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 3 8 जा 24. ओके, 1 रिमाइंडर 5, 15 हुआ, 3 5 जा 15. नेक्स्ट 3 करना डिवाइड 85, अब 3 डिवाइड नहीं कर पाएगा 85 को, तो अब किससे करेंगे डिवाइड करेंगे? 5 से करेंगे. 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 मिलेगा यहां से, और 5 35, 5 7 जा 35. एंड लास्ट 17 डिवाइड 270. ठीक है, तो 1 मिला आपको, तो आपको ये प्राइम फैक्टर्स मिल गए यहां पे. क्लियर ना? सो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17. क्लियर है? इस तरीके से अगर आप करते हैं क्वेश्चंस को तो आपके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो रॉन्ग होने के चांस नहीं रहेंगे. क्लियर है ना? अगेन नेक्स्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 92 जुड़ेंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92. सेम सिमिलरली 92 को भी जोड़ लेते हैं हमें बगल में. 92 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और 2 6 जा 12. 2 से डिवाइड करेंगे 46, तो क्या मिलेगा आपको? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. अब डायरेक्ट 23 से डिवाइड होगा, 23 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 23 से डिवाइड करते हैं. ओके, तो ये आपके पास मिल गया 2 2 और 23. 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23. ठीक है, 92 के 3 फैक्टर्स प्राइम फैक्टर मिल गए, 2 2 और 23. अगेन अब आपको फिर से वही प्रोसीजर कि कैसे हम लोग एचसीएफ लाएंगे. एचसीएफ लाने के लिए आपको मालूम है ना, एचसीएफ इज द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. एचसीएफ जो होता है वो इन सबका जो स्मॉलेस्ट पावर होगा प्राइम फैक्टर का, वही क्या होगा? उसका एचसीएफ होगा. तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू, चलिए अब एचसीएफ क्या होगा याद है ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था एचसीएफ आने का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 का सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है इसमें, इसमें और इसमें, तो स्मॉलेस्ट पावर 2 का 1 है ना, क्योंकि इसमें 1 टाइम आया है, इसमें कितनी बार आया है? 2 टाइम. तो हम क्या लिखेंगे? 2 1 1 टाइम. ठीक है, अगेन इसके बाद और कुछ दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा है. इट मीन्स 2 इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स. क्लियर है ना? कोई डाउट किसी को? एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए भी वही डेफिनेशन, एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स. जितने भी ये फैक्टर्स मिले हुए प्राइम फैक्टर, इसमें हर एक डिजिट का, जो भी डिजिट आया हर एक डिजिट का ग्रेटेस्ट पावर. अगर 2 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो ये देखेंगे कि 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार आया है. क्लियर?
तो ग्रेटेस्ट पावर को कंसीडर करते हैं, कॉमन नहीं, कॉमन एलसीएम में करते हैं कॉमन फैक्टर, और यहां पे सबको इंक्लूड करते हैं अलोंग विथ देयर ग्रेटेस्ट पावर। क्लियर है? एक एक वर्ड को सुन लीजिए, एक एक वर्ड को समझेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? चलो तो क्या होगा, टू बताओ कितनी बार आया हुआ है, टू टू टाइम आया हुआ, और यहां पे टू कितनी बार है, वन टाइम, तो हम क्या लिखेंगे टू को टू टाइम, टू क्रॉस टू, राइट। अगेन थ्री देखिए, थ्री यहां पे वन टाइम है, यहां पे नहीं आया, तो यानी वन टाइम करेंगे क्रॉस। फाइव आया हुआ वन टाइम, फाइव कर लिए। अगेन सेवनटीन है, सेवनटीन कर लिए। लास्ट ट्वेंटी थ्री हो गया, ट्वेंटी थ्री कर लिए। सही हो गया, कोई दिक्कत किसी को? नो। चलिए अब हम लोगों को ये एलसीएम मल्टीप्लाई कर ले, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा। टू टू जा फोर, थ्री जा फोर, थ्री जा ट्वेल्व, फाइव जा सिक्सटीन, और सिक्सटीन का मल्टीप्लाई सेवनटीन ट्वेंटी थ्री में कर लेंगे, ठीक है? तो सिक्सटीन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिक्सटीन मल्टीप्लाई करना है सेवनटीन क्रॉस ट्वेंटी थ्री में, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है? ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई सेवनटीन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन कैरी टू, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन कैरी टू, सेवन टू जा फोर्टीन टू सिक्सटीन, वन थ्री जा थ्री, वन टू जा टू, ओके। ये थोड़ा सा मैं यूज कर रहा हूं, वन मिल गया, नाइन मिल गया, टू वन थ्री मिल गया, ठीक है? ये आप ऐड कर लिए, अब इसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सिक्सटी से, ठीक है? तो हो जाएगा क्या, थ्री नाइनटी वन मल्टीप्लाई सिक्सटी, ठीक है? जीरो से मल्टीप्लाई किए, सब जीरो का सिक्स वन का सिक्स हुआ, सिक्स नाइन का फिफ्टी फोर कैरी फाइव, ठीक है? अगेन सिक्स थ्री का एटीन, एटीन फाइव ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री, जीरो सिक्स फोर थ्री टू, ठीक है? ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी, सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपको मिलेगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी, राइट? ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं। अब देखिए ये आपका एलसीएफ और एलसीएम आके तैयार है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है? अब हमको क्या करना है, आंसर को चेक करना है। आंसर को चेक करने के लिए फार्मूला दिया हुआ क्वेश्चन में, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उससे पुटअप करेंगे और अपने आंसर को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है? चलिए आंसर को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने का तरीका कुछ लोग डायरेक्ट फार्मूले में करते हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू, एचसीएफ आपका टू मिला हुआ है, ठीक है? यहां पर टू था, टू और एलसीएम आपने देखा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी मिला, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, टू जीरो जा जीरो, टू सिक्स जा ट्वेल्व कैरी वन, टू फोर जा एट वन नाइन हुआ, टू थ्री जा सिक्स हुआ, टू टू जा फोर, फोर्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी, राइट? ये आपका आपका आ गया प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूले का जो सेकेंड पार्ट है उसको भी मल्टीप्लाई करके ला दें, मतलब हम अपने आंसर को जुड़ा देंगे डायरेक्ट फार्मूले में, पुटअप कर देंगे, देखेंगे कि दोनों साइड सही है कि गलत है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स में जो दोनों नंबर दिए गए थे क्वेश्चन में, ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो क्या है, दोनों नंबर 510 और क्या था दूसरा 92 था, इनका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से, तो मल्टीप्लाई तो सबको आता है ना, 92 मल्टीप्लाई 51, 51 को हम लोग ऐसे करते हैं, बाद में जीरो पुटअप कर देंगे डायरेक्ट, वन टू जा टू हो गया, वन नाइन जा नाइन, फाइव टू जा टेन कैरी वन, और फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, वन मिला के फोर्टी सिक्स आ गया, ठीक है? आ गया। अच्छा अब इसको ऐड कर लेते हैं, जीरो नाइन सिक्स फोर, चले तो उसका ना नहीं होगी आपके, बिल्कुल सही, और इसका एक जीरो बचा था ना, जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, देखिए आंसर आ गया है, ओके 46920, तो देखिए आपका अच्छा सा प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है? आपका प्रोडक्ट भी एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट भी वही है,
और दोनों नंबर के भी प्रोडक्ट वही है, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। क्लियर है? तो हम लास्ट में कमेंट कर दें, कमेंट करना भूलेंगे नहीं क्योंकि लास्ट में आप कमेंट करते हैं बिल्कुल। सो दिस इंप्लाइज दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू, जो आपका फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मेरे जो ये लेक्चर, इसको एक एक स्टेप को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो कितने भी क्वेश्चंस हो, लाखों क्वेश्चंस आप आसानी से उन सबको मार सकते हैं, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आप पॉज करके लिख लें, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसका पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड उसको भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही काम करना है, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 336 and 54, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसका 336 and 54, ठीक है, 336 and 54 ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, प्राइम फैक्टर ऑफ, कभी कभी जुबान फिसल जाती है, प्राइम फैक्टर ऑफ 336, ठीक है, वही चीज फिर से कर लेते हैं। बहुत ही हम स्वार्थी है, अपने आंसर को बिल्कुल एक एक स्टेप चलेंगे, एक भी डिजिट हुआ नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है, तो ऐसा काम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। 336, तो इसको किसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 1 2 और ये 1 3 13 हो गया, 2 6 12 वन इसको दे देगा 18 हो जाएगा, 2 16 हो जाएगा, 2 8 16 होता है। एक चीज ध्यान दीजिए, हमसे भी गलती हो सकती है, 2 8 16, 2 4 2 4 2 2, ठीक है, बहुत लंबा डिवाइड हो रहा है, एग्रीमेंट हो गया 2 का, ठीक है। अब लास्ट में देखिए जैसे कहे तरफ फट गया, 3 से कहेंगे 7 आ जाएगा, 7 7, ठीक है, इसके सारे फैक्टर्स मिल गए, 2 का खजाना आ गया। तो सबको राइट करते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक है, इधर भी देखते रहिए भाई, लिखते ही मत जाइए, 1 2 3 4 4 बार, 1 2 3 4 5 बार कर दिया होगा गलत, 3 क्रॉस 7, गलती करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, 2 2 4 2 8 16, 3 जा, ठीक है, सब मिला लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 336, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, अब अगेन हमें करना प्राइम फैक्टर ऑफ, ढूंढना है किसको, चलो बेटा तुम भी मर जाओ, प्राइम फैक्टर ऑफ 54, इसको भी मार दो जल्दी से, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके भी, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े करेंगे तो क्या होगा, फैक्टर का मतलब होता ही है टुकड़ा, ठीक है। तो 54 का क्या हो जाएगा, 54 को डिवाइड करेंगे फटाक से, 2 से मारेंगे तो क्या मिलेगा, 27 मिल जाएगा ना, 27 मिलेगा, 27 कैसे नहीं लिखेंगे जी, इसका भी करेंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मार दिया, ठीक है, कमजोर को सब लोग सताते हैं, तो ये कमजोर था, मिस मर गया, ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 जा 54 आ जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात कर ली आपको, लगता आ गया, ओके ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ लाएंगे, क्या लाएंगे, एचसीएफ ऑफ 36 and 54, ठीक है, 36 and 54। अब जब हम बचपन में थे मालूम क्या करते थे, डायरेक्ट 36 का एचसीएफ लिखते थे, आप लोग मत लीजिए उसे, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके जितने नंबर दिए रहेंगे सबका कंबाइन करके लिखना, ठीक है, ओके। चलिए 54 इस दोनों का मिला के करेंगे तो वही फार्मूला, द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन हो गया 2, कॉमन हो गया 2 हो गया, अगेन क्या मिलेगा, 3 मिला, यानी एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, बाकी सब गायब, कोई मतलब नीड का हिस्सा है, झूठे का क्राउन मचा गया, तो 2 क्रॉस 3 हो गया, 3 2 6, क्लियर, एचसीएफ इज द, क्लियर, एचसीएफ इज द बोथ नंबर, ठीक है, दोनों नंबर का क्या मिला, एचसीएफ मिला, अगेन एलसीएम मिलेंगे, एलसीएम ऑफ 54 and 36, ठीक है,
इसका बहुत सिंपल तरीका मैं बार बार बता रहा हूँ, एलसीएम में क्या करेंगे, द हाइएस्ट पावर ऑफ फैक्टर्स नॉट कॉमन, कॉमन मत करिएगा। ओके जबरदस्त आ गया आप लोगों के। ओके चलिए तो देखते हैं, टू देखिए यहाँ पे फोर टाइम आया हुआ, टू एक बार आया हुआ, सबसे ज्यादा बार इसमें है इसमें, ठीक है चार बार आया हुआ, चार टू क्रॉस टू क्रॉस टू क्रॉस टू, ठीक। अगेन अब थ्री देखिए, थ्री इसमें वन टाइम है, इसमें थ्री टाइम, तो मैक्सिमम बार, मैक्सिमम बार हम लोग काउंट करेंगे थ्री क्रॉस थ्री क्रॉस थ्री, ठीक है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं एलसीएम का, बहुत लोग एलसीएम में भटक जाते हैं। अगेन लास्ट सेवन बच्चा सेवन नंबर, ठीक है इसमें सेवन नहीं था, इसमें सेवन है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर देते सबको, सबको जोड़ देते एक साथ, दोस्ती कर देते सबके साथ, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन, सिक्स आगे नहीं आ रहा टेबल, मल्टीप्लाई करना होगा, सिक्सटी थ्री जा फोर्टी एट, फोर्टी एट थ्री जा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फोर्टी एट का मल्टीप्लाई थ्री थ्री जा नाइन, और नाइन सेवन जा कितना होता है सिक्सटी थ्री का, तो फोर्टी एट का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे सिक्सटी एट में, ठीक है सिक्सटी थ्री में, सॉरी कभी कभी हमसे ये गलती हो जाती है, ठीक है। फिर से चेक कर लें, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन थ्री जा, ठीक है फोर्टी एट, और फोर्टी एट का मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, थ्री थ्री जा नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री, राइट सही है गलत नहीं, ठीक है मल्टीप्लाई कर लेंगे, थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, टू फोर क्या टू मिला, थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू मिला के फोर्टीन आ गया। थोड़ा सा इनको हटा दें, आप लोग इसको राइट कर लीजिए। अगेन सिक्स का मल्टीप्लाई एट में नहीं लीजिए, क्या होगा सिक्स एट जा फोर्टी एट होता ना, सिक्स एट जा फोर्टी एट, फोर्टी एट को एट हुआ कैरी फोर, और सिक्स फोर जा कितना मिला ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फोर में फोर एड करेंगे कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट, फोर मिला, ठीक है एट फोर मिला के ट्वेल्व हो गया, एट वन नाइन वन जीरो कैरी, एक कैरी था ना टेन हुआ, और टू वन थ्री हुआ, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिल गया आपके पास कुल मिला के थ्री थाउजेंड चौबीस, थ्री थाउजेंड चौबीस, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका अच्छा सा प्यारा सा आंसर आ गया एचसीएफ और ये आ गया एलसीएम। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अपने जो फार्मूला दिया उससे सेटिस्फाई करा देंगे, और आंसर अगर आ जाएगा तो मुस्कुराते हुए हम लोग अपने आंसर को इस स्टेप पर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, चलिए क्या होगा सिंपल सा मेथड, आप लोग ठीक ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे एकदम एकदम ऐसे लिखेंगे, ठीक है एकदम, इसके अलावा कुछ मत करना, बहुत ही अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग डिविजन मेथड मत यूज करना, बहुत अच्छा चीज है। चलिए अब क्या करेंगे, वेरीफाई करना है, यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन लाइन, वेरिफिकेशन होता है ना, चलो वेरीफाई कर लेंगे, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू क्या आया था भाई 3024 आया था एलसीएम, और एलसीएम क्या आया था 3206 आया था, कितना आया था मैं तो भूल गया, चलिए 24 लिखता हूं, और आया था आपके पास 6 ही आया था, मल्टीप्लाई करो 6 4 जा क्या चीज है 24 टू 4 कैरी, कैरी मेरा 2, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू मिला के 14 हुआ कैरी वन, सिक्स जीरो जा जीरो वन मिला के वन हो जाएगा, सिक्स थ्री जा 18 हो गया 18144, क्लियर है। तो 18144 क्या गया इसका प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ आ गया, क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, जो नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन जो दिए गए तो उनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ जो क्वेश्चन दिया गया था, तो क्वेश्चन में 536 दिया था, 336 एंड 54 था, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 मल्टीप्लाई 54, ठीक है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यहां पे जस्ट 336 एंड 54 तो मिलेगा 4 6 24 टू 4 कैरी 2, 4 3 4 3 12 टू 14 टू 4 कैरी 1, 4 3 12 1 13, ओके 5 को मल्टीप्लाई 6 में कर देते हैं, अगेन 5 6 13 टू 3 कैरी 0, 5 3
5 3 15 3 मिला के 18 को 8 कैरी 1 5 3 15 16 16 मिल गया राइट मिल गया 16 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं फिर से देख लीजिए 5 3 15 16 4 मिला 8 3 मिल गया आपके पास 11 6 1 7 मिला 6 1 7 1 8 हुआ 1 1 मिला के 18,144 मिल गया राइट है ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग वी ऑब्जर्व दैट हियर द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम बोथ आर इक्वल ओके। तो लास्ट में हम लोग कमेंट कर देंगे, लास्ट में कमेंट क्या करेंगे कमेंट वही जो फार्मूला आपके पास है हेंस क्या लिखेंगे भाई हेंस क्या लिखेंगे एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।